अब आगे क्या? जी हां, अतीक अहमद पर अब तक लगभग 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मायावती के शासनकाल में एक ही दिन में अतीक पर 100 मुकदमे दर्ज किए गए, बाद में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अधिकतर मामलों में सबूत के अभाव और गवाहों के मुकर्दे की वजह से अतीक बरी हो चुका है। फिलहाल अतीक के खिलाफ 35 मुकदमे एक्टिव हैं। इनमें से कई मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि 11 मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है। अब तक उसे किसी भी मामले में सजा नहीं मिली। अतीक अहमद के खिलाफ जितने केस दर्ज हैं, उनकी सुनवाई में लंबा वक्त लग सकता है। अतीक की जिंदगी भी कभी इस जेल तो कभी उस जेल में कटते रहने की संभावना है। कभी मेहरबानी हुई तो बाहर भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल विकास दुबे कांड के बाद योगी सरकार अतीक के आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मन बना चुकी है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है।